बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों में से एक अभिनेता प्रेम चोपड़ा आज भी अपने विलेन के किरदार के लिए पहचाने जाते हैं। 23 सितंबर 1935 को लाहौर में जन्मे प्रेम ने हिंदी सिनेमा में खलनायकों के किरदार को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया। हीरो बनकर तो हर कोई लोगों के दिलों में राज करता है, लेकिन एक विलेन होकर भी लोकप्रिय होना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन कुछ कम लोग ही जानते होंगे कि विलेन के रूप में मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा इंडस्ट्री में हीरो बनने की चाहत रखते थे, लेकिन एक फैसले ने ना सिर्फ उन्हें विलेन बना दिया बल्कि बॉलीवुड में एक अलग पहचान भी दिलाई। प्रेम चोपड़ा के फिल्मों में विलेन बनने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल बात उन दिनों की है जब अभिनेता इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर और दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से हुई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा से वादा किया कि वह उन्हें फिल्मों में मुख्य भूमिका का रोल देंगे, लेकिन प्रेम को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच अभिनेता को फिल्म वो कौन थी में विलेन का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। साल 1964 में आई यह फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इतना ही नहीं, फिल्म में पहली बार बतौर विलेन नजर आए प्रेम को लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। इसी बीच प्रेम एक बार फिर महबूब खान से मिले। अभिनेता से मिलते ही उन्होंने प्रेम को डांटते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। उन्होंने बाद में यह भी कहा कि फिल्म वो कौन थी में उन्होंने अपना विलेन का किरदार इतना बखूबी निभाया कि अब उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था, इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 400 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। लेकिन अपनी खलनायक वाली छवि का खामियाजा प्रेम चोपड़ा को असल जिंदगी में भुगतना पड़ा।